एक होते हैं खुशी के आंसू और एक होते हैं दुख के आंसू। तो ऐसी याद करनी चाहिए जो खुशी से गदगद हो जाए, आंसू निकल पड़े।
क्या हाँ हमको जो प्राप्ति हुई वो कोई को नहीं हुई, और हमने 63 जन्म बाप की कितनी ग्लानी की, फिर भी बाप ने हमको कितनी प्राप्ति कराई है जो दुनिया प्राप्ति नहीं करती। उसी के आंसू आ गएंगे। अर्थ की दुनिया से परे रहने वाले जिनकी मन बुद्धि फर्श की दुनिया वालों से परे हो जाती है, ऐसे मनन चिंतन मंथन में रहते हैं, ज्ञान की बातों में ही जिनकी बुद्धि चलती है, सर्विस के प्लानिंग में बुद्धि चलती है, नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन में बुद्धि चलती रहती है, बाकी इस पुरानी दुनिया को भूले हुए रहते हैं, वही सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले सूक्ष्म वतनवासी बच्चे हैं, और वो दो प्रकार के हैं। एक है शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले, और दूसरे हैं साकार शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म स्टेज बनाने वाले। दोनों प्रकारों में कौन से स्टेज पे हैं? साकार शरीर रहते रहते भी साकार शरीर का, शरीर के संबंधियों का, शरीर के पदार्थों का भान भूल जावे, और हल्के फुल्के रहे। कहते फरिश्ताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ते, देवताओं के भी पांव जमीन पर नहीं पड़ते। जो फरिश्ता बनेंगे वो ही देवता बनेंगे। ज्ञान की बातों में मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे, रमण नहीं करेंगे, तो बाप के बच्चे देवता भी नहीं बन सकेंगे। इस दुनिया के जो भी नाम है वो काम के आधार पर है या रूप के ऊपर है? काम के आधार पर। इस दुनिया में जो भी नाम है वो देह के ऊपर है। काम के आधार पर नाम सिर्फ संगम युग में पड़ते हैं, जो भक्ति मार्ग में याद किए जाते हैं। अभी जो शरीरों के नाम हैं वो देह के आधार पर रखे हुए हैं। नाम की याद आने से ही देह भान याद आ जाता है। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो दुनिया वाले हम बच्चों को दुनियावी नाम से याद करेंगे, या ईश्वर जो नाम देंगे ड्रामा प्लान अनुसार उस नाम से याद करेंगे, उस नाम से याद करेंगे। उसको नाम रूप में फंसना नहीं कहा जाएगा, वो आत्मिक स्थिति की बात है। अभी जो नाम रूप में फंसने वाली बात है वो देह भान की बात है। और आपने
लातों की देवी बातों से नहीं मानती है, ये दुनियावी कहावत है या बाबा ने ये कहावत हमको सिखाई है? बातें तो दुनियावी बातें हैं, बाबा ने हमको ऐसी बातें नहीं सिखाई है। कोई कैसा भी है, कितना भी हट्टी स्वभाव का हो, लेकिन हमारी भावना उसके प्रति कैसी रहनी चाहिए? कल्याणकारी भावना रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने हमारी बात नहीं मानी, हमने सच्ची बात कही और 20 बार बात कही और फिर उसने नहीं मानी तो हम लातों से पिटाई धुनाई कर देंगे? नहीं, ज्ञानी का मतलब है अपने पूर्वजन्मों से हर बात को जोड़ता रहे। जो देवी देवता सनातन धर्म के हिंदू धर्म के कहे जाते हैं वो पुनर्जन्म को मानने वाले होते हैं। विदेशी धर्म की आत्माएं, पर धर्म की आत्माएं पुनर्जन्म को नहीं मानती। तो यहाँ भी हमारे अंदर अगर ये भावना आती है कि हमारी बात नहीं मानता तो हम धुनाई करवा देंगे। ये बाहुबल की बात हो गई या योगबल की बात हुई? बाहुबल की बात हो गई। ऐसा बाहुबल दिखाने वाले बेधर्मी बनेंगे, बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। 63 जन्म हम भारतवासियों ने बाहुबल की लड़ाई बाहुबलियों से ही तो लड़ी है। उस लड़ाई में विदेशियों से हमको विजय मिली या हार खाते रहे? हार ही खाते रहे। ये ईश्वरीय नारा नहीं है, लातों की देवी बातों से नहीं मानती। प्यार ऐसी चीज है, सच्चा प्यार हो तो कितने भी हट्टी स्वभाव का क्यों न हो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि की है या चैतन्यमयी बुद्धि है? प्रकृति की धुनाई पिटाई कोई करेगा है? नहीं करेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा विनाश कौन करेगा? प्रकृति करेगी। वो भगवान बाप को नहीं पहचान पाती, दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बन जाती है। तो भी जो बाप के बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में क्या रहेगा? दे दान तो छूटे ग्रहण। ये दुख दर्दों का ग्रहण, ये मायावी ग्रहण, हम दान देते रहे इतने देंगे तो प्रकृति से भी स्नेह मिलेगा, सहयोग देंगे तो हमको सहयोग मिलेगा, सहानुभूति देंगे तो हमको सहानुभूति मिलेगी जन्म जन्मांतर। और देवात्माओं को ही जन्म जन्मांतर की सहयोग मिलता है और धर्म वाले और विदेश खंड वो तो सारा प्रकृति की मार से खलास हो जाएंगे। ये अमेरिका, ये यूरोप, ये अरब, ये ऑस्ट्रेलिया, ये विदेशी धर्मखंड बचेंगे प्रकृति की मार में? नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे है? क्योंकि वे आतताई हैं। कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे नहीं है।
इसलिए मार खा जाते हैं। जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो खास कौन से बच्चे के लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? शिव बाबा का 500 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे प्यारा बच्चा कौन है? ब्रह्मा और सत्यस्थ बच्चा। अंत तक उसके लिए पढ़ाई चलती है, जिसके लिए बोला है एक के पतित बनने से सात पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सात पावन बन जाते हैं। जवाब मिला? है? चार बजे वो पहले होता था माउंट आबू में, जो सरेंडर्ड बच्चे माउंट आबू में इकट्ठे हुए बैठे थे उनके लिए बाबा कभी कभी अमृत वेले भी क्लास चला देते थे, छोटा छोटा क्लास होता था, बाकी रेगुलर क्लास सुबह को 7 बजे से 8 बजे 9 बजे तक ही चलाया जाता था। भारत का प्रश्न शक्ति और अंतकाल, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। हाँ, तो प्रश्न क्या है? शिव बाबा के 3 बच्चे हैं। कितने? शिव बाबा अकेले नहीं आते, कितने बच्चों के साथ आते? 3 बच्चों के साथ आते। उनमें एक है बिल्कुल ऊंची स्टेज वाला और एक है बिल्कुल नीची स्टेज वाला। दुनिया की ओर बुद्धि जाने वाली आत्मा ब्रह्मा जिनकी पूजा नहीं होती, और एक ऐसा है जो न्यूट्रल रहने वाला है। क्या दूसरों का कल्याण करना है तो कभी कभी झुकना भी पड़ता है। अगर सदैव टाइट हो करके रहेंगे तो दूसरों का कल्याण नहीं हो सकता। तो विष्णु बच्चा जो है कोई आत्मा है जो प्रकृति की तरह बहुत टाइट भी नहीं बनती है, और ब्रह्मा की तरह बहुत लूज भी नहीं रहती है। ज्ञान हमको बैलेंस में रहना सिखाता है, यह बैलेंस को बिगाड़ देना सिखाता है। बैलेंस में रहे, वो पार्ट जगदम्बा का नहीं है। जगदम्बा तो महाकाली बन जाती है, वैसे भी शक्ति जो है वो महाकाली नहीं है, उसको महागौरी कहा जाता है। परंतु वो महागौरी भी तब तक महागौरी नहीं बन सकती
यह बताकर जगदम्बा के अंदर में ना आए। वो जगत माता है। भारतीय परंपरा में जो भी राजाइयां चली है हिस्ट्री में, राज परिवार में दो माताएं होती थी, एक राज माता और दूसरी राज लक्ष्मी। ऊंचा आसन किसका होता था? राज माता का ऊंचा आसन होता है। आज भी घर घर में ये परंपरा चली आ रही है। एक बड़ी माँ होती है सासू माँ बच्चों की, और एक होती है छोटी माँ। ज्यादा मान मर्तबा किसका होता है? बड़ी माँ का ज्यादा मान मर्तबा होता है। सासू की बात छोटी माँ को माननी पड़ती है। भले सासू प्रैक्टिकल जीवन में फेल तो भी माननी पड़ती है। तो सारी परंपराएं कहां से पड़ती हैं? संगम युग से पड़ती हैं। परंतु जीवन में वाचा चलाना बड़ी बात है, या प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करना बड़ी बात है? धारणा करना बड़ी बात है। तो छोटी माँ प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके दिखाती है, बड़ी माँ महाकाली बन करके लंबी जीव निकाल के सारी दुनिया को वाचा में जीत लेती है। परंतु प्रैक्टिकल बातों में फेल हो जाती है। इसलिए बोला कि प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है, इम्प्योरिटी से दुनिया का विनाश हो सकता है। नई राजधानी की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सरस्वती जगदम्बा का पाठ बीच में है, आदि में है, ये अंत में है, बीच में है। सरस्वती जगदम्बा ना आदि में होती है ना अंत में होती है। चाहे बेसिक में पाठ बजाने वाली हो और चाहे एडवांस में पाठ बजाने वाली सरस्वती जगदम्बा मात्र जो पाठ बजाती है वो मध्य का पाठ है। ज्ञान गंगाएं और भारत माताएं ये अंत में ही प्रत्यक्ष होती है। जिनके लिए बोला है मुरली में, बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा भी, गंगा के किनारे कौन लोगों का जमघट लगा रहता है? साधु सन्यासियों का जमघट लगा रहता है। और चंद्रवंश से जो छोटी माँ निकलेगी वो भी गृहस्थी जीवन बिताने वाली है, जगदम्बा की तरह गृहस्थी जीवन बिताने वाली है या सन्यासी जीवन है? सन्यासी जीवन। क्या कहेंगे? सन्यासी जीवन है? अरे प्रैक्टिकल में कौन सा जीवन चल रहा है? पहले तो सन्यासी है। जब तक ज्ञान न मिले फिर भी प्योरिटी की पावर तो है। वो प्योरिटी की पावर मान मर्तबा दिलाती है। आज भी मुरली में क्या बोला?
सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनका मान मर्तबा देना पड़ता है। गंगा अथवा वैसे भी शक्ति वो भी पवित्र है और सिर्फ इस जन्म की पवित्र नहीं है, जन्म जन्मांतर की पवित्रता है। इसलिए गाया हुआ है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत की माताएं कन्याएं ज्यादा प्योरिटी वाली होती हैं, उनकी प्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है या सारे जगत के विदेशियों की जो भी कन्याएं माताएं हैं उनकी प्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? भारत के। तो विजयी कौन बनेंगे? भारत प्योरिटी वाले ही विजयी बनेंगे। इन प्योरिटी वाले सारी दुनिया का विनाश के निमित्त भले बन जाएं, बहुत बड़ा काम है, लेकिन नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते। जोड़ी है नहीं, जोड़ी बन जाती है। हैं? धारणा करने वाले 5,000। हाँ जी, हाँ जी, हर धर्म में धारणा करने वाले और धारणा न करने वाले होते हैं कि नहीं? हैं? होते हैं। हर धर्म पहले सतो प्रधान होता है और बाद में तमो प्रधान होता है। हर धर्म के धर्म पिताएं पहले सतो प्रधान होते हैं और बाद में तमो प्रधान बनते हैं। तो जो धर्म पिताएं सतो प्रधान होते हैं उनके जो सहयोगी होंगे, भुजाएं होंगी, वो भी सतो प्रधान होंगी या तमो प्रधान होंगी? सतो प्रधान है, वो भी पहले सतो प्रधान होती है। कोई भी धर्म क्यों न हो, पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान। और हर धर्म में देवी देवता सनातन धर्म के आधारभूत घुसे हुए हैं कि नहीं? नहीं तो वो धर्मों की स्थापना ही नहीं हो सकती। ऊपर से आने वाले जो अपने धर्म के पक्के हैं वो देवी देवता सनातन धर्म वालों में प्रवेश करते हैं। तो जो आधार मूर्त है वो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी मौजूद है या नहीं है? मौजूद है। जैसे ब्रह्मा की 1,000 भुजाएं गाई हुई है, वो भी तो एक धर्म है ना, धर्म की स्थापना होती है ना। ऐसे ही हर धर्म की भुजाएं हैं जो सतो प्रधानता में साथ ही बनने का पार्ट बजाती है। तो ब्रह्मा की 1,000 भुजाएं गाई हुई है, उनमें लेफ्टिस्ट भी होंगी और आईटीएस भी होंगी। राइटियस आदि में पार्ट बजाने वाली होंगी या लेफ्टिस्ट आदि में पार्ट बजाएंगी? आदि स्थापना में पार्ट बजाने वाली कौन सी भुजाएं होती हैं? राइटियस। लेफ्टिस्ट अच्छे नहीं माने जाते, बाम मार्गी। तो ये जो वाणी बोली है वो ब्रह्मा के समय की वाणी बोली है। ब्रह्मा स्वयं राइटियस है या लेफ्टिस्ट है? राइटियस है उस समय का। तो उनकी राइटियस भुजाएं भी 500 होंगी। और हर धर्म के जो भी धर्म पिताएं हैं, हर धर्म के जो भी प्रजापिताएं हैं, हर धर्म में प्रजापिता है या नहीं है? है, है अपने अपने धर्मों के प्रजापिता। तो उनकी भी 500 राइटियस और 500 लेफ्टिस से भुजाएं। ब्रह्मा बाबा के जीवन काल की बात बताई
कि वो नारायण वाली आत्माएं जो ब्रह्मा के जीवन काल में पल रही थी उनकी भी राइटियस भुजाएं हैं। तो हर धर्म की 500 की कितनी टोटल हुई है? 5000 हो गई। उस समय राइटियस भुजाएं कहें या लेफ्टिस्ट भुजाएं कहें? ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट चला वो राइटियस पार्ट चला या लेफ्टिस्ट पार्ट चला? राइटियस पार्ट चला। अभी भी कहते हैं फॉलो करना है, फॉलो फादर। तो लेफ्ट में जब बैठे हुए शंकर को फॉलो करने के लिए बोला है या ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने के लिए बोला? ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने। उस समय ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने वाली राइटियस भुजाएं उनको ही फॉलो करने के लिए बोला। इसलिए 5000 भुजाएं बताई। कौन से सन की वाणी है? हर सत के बाद तो ब्रह्मा ही खत्म। तो लेफ्टिस्ट भुजाओं का पार्ट भी खलास हो जाता है, राइटियस भुजाओं का पार्ट भी खलास हो जाता है। और प्रश्न आया है, तिरुपति के बालाजी को श्रीशैलम मंदिर में शिवशंकर को ऊपर पहाड़ के ऊपर उनकी मूर्ति और मंदिर है, और अलिवेलु गंगम्मा, क्या बताया? मंगम्मा उनका मंदिर नीचे है। नाम देखो कैसे टाइम से रखे हुए हैं। एक तो अम्मा कैसी है, अलबेलु पार्ट बजाने वाली है, अलबेलेपन का पार्ट बजाती है, या श्रीमत पर अलर्ट रहने का पार्ट बजाती है? अलबेलेपन में पुरुषार्थ किया। और दूसरे जो अलबेलेपन का पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा कुमारियां ये बेसिक वाले हैं, वो भीख मांगने का काम करते हैं या बाप से प्राप्ति करने का काम करते हैं? मंगम्मा नाम ही पड़ा हुआ है, मांगने वालों की अम्मा। तो नीचा काम करेगी तो नीचे मंदिर बनेगा या ऊपर मंदिर बनेगा? नीचा काम करेगी तो नीचे मंदिर बनेगा, ऊंचा काम करेगा तो ऊपर मंदिर बनेगा। एक बात आई है, बच्चे प्रश्न करते हैं, प्रश्नों का समाधान दिया जाता है। एक तो समाधान बाबा देता है, और फिर समाधान बड़े बड़े पुराने पुराने जो भाई बहने हैं उनसे भी समाधान मिलता है। तो जो पुराने पुरानों से समाधान मिलता है उस समाधान को बाबा से वेरीफाई कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? है? कराना चाहिए।
अगर वेरीफाई न कराया और समाधान बाय चांस उल्टा मिल गया और उस पर चल पड़े तो अकल्याण हो जाएगा। समाधान देने वाले का भी अकल्याण होगा और लेने वाले का भी अकल्याण हो जाएगा। इसलिए आपसी जो संगठन करते हैं उसमें आपस में बैठ करके प्रश्नों का लेन देन नहीं करना चाहिए। और अगर बाई चांस लेन देन होता है तो उनका वेरिफिकेशन बाबा से जरूर लेना चाहिए। प्रश्न आया है यज्ञ सेवा में कोई कुछ सेवा देना चाहते हैं तो जो कोर्स कराने वाली टीचर है या जो निमित्त इंचार्ज टीचर है उनको देना या बताना है या गुप्त रूप में देना है। तो सीधी सी बात है, गुप्त दान महाकल्याण। एक ने दिया और दूसरे हाथ ने लिया तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तीसरे हाथ को पता चल गया तो उस दान की वैल्यू कम हो जाएगी। चौथे को पांचवें को जितने हाथों को पता चलता जाएगा उतनी दान की वैल्यू घटती जाएगी। इसलिए बोला कि बाप को देवेंगे तो 21 जन्म का बनेगा और देहधारियों को देवेंगे दिखा के हम इतना यज्ञ में देते हैं, चाहे वो कोर्स कराने वाली टीचर हो या इंचार्ज हो। तो घाटा आ जाएगा। इसलिए तरीका क्या है, जो भी देने वाले देते हैं वो कवर में बंद करके दें। उसके सेफ्टी रहेगी। और इंट्रोड्यूस भी इसी तरह से करें, शिव बाबा क्या रहा ब्रह्मा बाबा। तो देने वाले को कोई दोष नहीं लगेगा। बल बीच में टीचर या इंचार्ज खोल करके देखती है तो पाप किसके ऊपर जाएगा, टीचर के ऊपर जाएगा या इंचार्ज के ऊपर जाएगा। ऐसे ही पोता मेल भी, वो भी दान है, वो भी खुले लिफाफे में रख करके नहीं देना चाहिए, खुले कागज में नहीं देना चाहिए। क्या बंद कवर में देना चाहिए। चाहे पोता मेल हो, बाबा के लिए लिखा हुआ पर्सनल लेटर हो,
या यज्ञ सेवा हो, बंद कबर में देंगे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें सेवा है कि पोता मेल है या लेटर है। जो कुछ भी है वो बाबा के लिए है। और उपदान महादान है। हाँ जी, अच्छी गीता का एक पाठ में लिखा हुआ है। हाँ जी, स्वामी नारायण मंदिर वाले बाबा की सेवा के लिए 1 करोड़ रुपए दे देंगे। है 1 करोड़ रुपए दे देंगे, देते हैं। हाँ, मुरली में ऐसा क्यों छिपते हैं, छपाते हैं? मुरली में क्या छपाते हैं? 1 करोड़ रुपए। समझ नहीं आया। स्वामी नारायण वाले मंदिरों मंदिर की यहाँ बात सच्ची गीता खंड से क्यों टैली कर रहे? स्वामी नारायण मंदिर वाले तो भक्ति मार्ग वाले, वहाँ तो गुप्त दान महाकल्याण की बात भक्ति मार्ग में है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो गुप्त दान महाकल्याण की बात है। हाँ, स्वामी नारायण मंदिर में भी जो कुछ चल रहा है वो कहाँ की यादगार, वो भी यही शूटिंग करने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। जोर से बोलूं आंतरिक का, जो आंतरिक खुशी होती है वो बाहर चेहरे से भी दिखाई पड़ने लग पड़ती है। अंदरूनी किसी को दुख होता है वो भी बाहर के चेहरे से लटक जाता है। अंदर की बात अंदर हमेशा के लिए छुपा के नहीं रखी जा सकती। जैसे अंदर की बीमारी होती है तो बीमारी के लक्षण भी बाहर देखने में आते हैं। ईश्वरीय सेवा की और गुप्त सेवा की, जैसा बोला है तुम बच्चों का पांडवों का दान मान पुरुषार्थ सब गुप्त। तो ज्यादा स्थायी कौन सी सेवा रहेगी? आंतरिक सेवा जो अंदर की खुशी के लिए की गई है, आत्मा के लिए। जितना बाहर प्रत्यक्ष करते जाएंगे उतनी खुशी कम होती जाएगी। वो आंतरिक नहीं रही, बाहर की कर दी मान मर्तबा लेने के लिए। दुख भी अंदर का है तो बाप को बताना चाहिए। दुख के वाइब्रेशन भी दूसरों के सामने फैलाने से अंदर का दुख और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। दुनियावी लोग हमारे दुख को कम नहीं करेंगे और ही बढ़ा देंगे। और इतना धीरे से बोलने से थोड़ी हमारे पास, आपने सुना क्या? हाँ जी, देवता देवता जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो असलियत में तो 4.5 लाख ही बनते हैं पक्के देवता, पूरे 84 जन्म लेने वाले। और जो उनके 4.5 लाख बच्चे होंगे वो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं होंगी। वो उतना मनन चिंतन मंथन करने में एक्सपर्ट नहीं होंगी।
इसलिए उनको पक्का देवता नहीं कहेंगे। हाँ, जो जो एक्सपर्ट होते जाएंगे वो विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। देवता का मतलब ही है देने वाला। क्या देने वाला? स्थूल धन, ज्ञान धन या ज्ञान धन देने वाला? ज्ञान धन देगा कौन? जिसके पास होगा वो देगा। और होगा किसके पास? जो बाप का दिया हुआ ज्ञान धन मनन चिंतन मंथन करके अपना बना देगा। अगर मनन चिंतन मंथन करके अपना धन नहीं बनाया तो दूसरों को क्या देगा? रटा रटाया ज्ञान देगा, उससे किसी का कल्याण हो जाएगा क्या? भक्ति मार्ग में रटा रटाया दिया शास्त्रों का, कोई का कल्याण नहीं हुआ। यहाँ तो बाप जो ज्ञान देते हैं कहते हैं अपनी घोर तो नशा चढ़े। तो जो जो जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे वो पहली पहली राजधानी में आ जाएंगे, भले प्रजा बनेंगे। जो नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी उसमें टोटल प्रजावर्ग की आत्माएं मिलाकर के कितनी राजधानी की आबादी होगी? है 4.5 लाख। जो पहले जन्म की प्रजा है उस प्रजा की कोई खसूसियत तो होगी और जन्मों की प्रजा के मुकाबले क्या खासियत होगी? है वो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। सूर्य में क्या खासियत होती है? सबको रोशनी देता है। जो जो पहली पहली राजधानी स्थापन होती है तो पहली राजधानी के प्रजावर्ग की आत्माएं भी चाहे चौथे कैटेगरी के चांडाल किस्म की आत्माएं क्यों न हो वो भी कैसी आत्माएं होंगी? ज्ञानी तो आत्माएं होंगी। और जन्मों की जो राजधानी स्थापन होती है शूटिंग हो रही है वो उतने ज्ञानी नहीं होंगे, क्योंकि उनके नंबरवार जन्म कम हो जाएंगे। तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हुए या कम अनुभवी हुए, उनका अनुभव भी कम हो जाता है। जितना अनुभवी ज्यादा होगा उतना ज्ञान का नशा भी ज्यादा रहेगा। वाइब्रेशन का अर्थ क्या है? जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी के पीछे से बहुत से लोग बहुत बुराई करते थे, लेकिन नेहरू जी जब सामने आते थे तो उनके सारे बुराई के वाइब्रेशन खत्म। ये आत्मा का प्रभाव होता है। हर आत्मा के चारों ओर उसका वाइब्रेशन घूमता रहता है। जैसी आत्मा होगी वैसा वाइब्रेशन फेंकती रहेगी। नजदीक वालों को उसका अनुभव होगा।
जो नजदीकी धर्म की आत्माएं होंगी उनको ज्यादा अनुभव होगा और पहले अनुभव होगा। जो दूसरे धर्म की दूर की आत्माएं होंगी उनको बाद में अनुभव होगा और कम अनुभव होगा। तरंगों को कहते हैं वाइब्रेशन। हर आत्मा के अंदर जो विचार सरणी चलती है उसकी तरंगें फैलती है। मान लो कोई बीज रूप स्टेज में ज्यादा टिकने का अभ्यासी बन गया तो उसकी निराकारी स्टेज की तरंगें चारों तरफ फैलेंगी। उसके वाइब्रेशन के नजदीक जो भी पहुंचेगा वो भी निराकारी स्टेज में आ जाएगा। टेलीफोन से भी बात करेगा तो भी थोड़ी देर के लिए निराकारी स्टेज का अनुभव करेगा, सब भूल जाएगा। अक्ष कहते हैं जैसे कोई का फोटो खींचा जाता है तो फोटो का अक्ष कैमरे में आ जाता है, छाप पड़ जाती है। ऐसे ही टीवी में बाबा की कोई दृष्टि लेते हैं तो भले जड़ टीवी में जड़ चित्र है परंतु वो जीवंत का अनुभव कराता है अल्पकाल के लिए या जड़ चित्र है जीवंत का अनुभव कराता है तो उसका अक्ष ज्यादा पड़ता है, उससे भी ज्यादा अक्ष। चैतन्य में प्रैक्टिकल में जब बाबा सामने आवेगा तो ज्यादा पड़ता है। इसलिए बोला है फर्स्ट क्लास मुरली, सेकंड क्लास मुरली और थर्ड क्लास मुरली। और ऐसा हमेशा नहीं होता है। संग का रंग और वाइब्रेशन और स्थान व्यक्तियों का प्रभाव भी पड़ता है और शरीर की बीमारी उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जो अपना पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ का भी प्रभाव पड़ता है। जिन दिनों ज्यादा याद में रहते हैं उन दिनों का अनुभव टैली करें उन दिनों से, जबकि याद हमारी बहुत नीचे गिर जाती है। सारा उमंग उत्साह बाप से मिलता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप हो जाता है। ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही उमंग उत्साह ज्यादा रहता है बाद में सबका कम हो जाता है, नहीं। जो खास बच्चे हैं उनके लिए तो बोला है मुरली में, अव्यक्तवाणी में भी बोला है कि जितनी जास्ती परीक्षाएं आती हैं उतना ज्यादा उमंग उत्साह उनका और ज्यादा बढ़ जाता है। पुरुषार्थ भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? नहीं तो घटते जाना चाहिए,
लेकिन नहीं होता। बातें कभी कभी विरोधी लगती है, मुरली में कभी लगता है बाबा एक मुरली में कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, दूसरी तरफ कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो समझदार है। अरे बुद्धू है कि समझदार है कि दोनों ही है, कभी बुद्धू कभी समझदार, या समझने वाले बुद्धू हैं। अगर बाबा कहते हैं ये पक्का निश्चय है तो बाबा माने भगवान या शैतान है, भगवान तो भगवान जो कहेगा सच्चाई कहेगा या काट करने वाली बात कहेगा, दो दो बातें कहेगा, दो दो बातें दुमोहा कहता है और दस बातें रावण कहता है। राम और रावण में खास अंतर क्या है? राम एक ही बात बोलता है और रावण दस बातें बोलता है। प्रश्न आया है, बाबा एक तरफ कहते हैं मैं आत्माभिमानी बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या ये अभिमानी बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, फिर कहते हैं ये पढ़ाई एक ब्रह्मा बच्चा के लिए अंत तक चलेगी। ये ब्रह्मा बच्चा क्यों बाबा को इतना प्यारा क्यों लगता है, है? ब्रह्मा बच्चा को ही कर्मों में फॉलो करने के लिए क्यों बोला? धारणा है, शंकर को फॉलो नहीं करना है कर्मों में, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा के कर्म देखने हैं कि उन्होंने जीवन में कैसे कर्म किए, वैसे कर्म करना है। दुनिया के जितने भी बच्चे हुए हैं 84 जन्मों में, उन 84 जन्मों में जन्म लेने वाले बच्चों के भी सबसे भाग्यशाली बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चा आप नहीं बोलिए, सबसे भाग्यशाली बच्चा कौन है जो संगम युग में भी चैन की बंसी बजा करके रहता है? और दुखों की दुनिया जब आती है तो शरीर छूट जाता है, संगम युग में भी चैन की बंसी बजाई और नई दुनिया में तो चैन की बंसी बजेगी ही, और द्वापर कलयुग में भी सबसे जास्ती ज्यादा गायन कौन सी आत्मा का होता है, राम का होता है या कृष्ण का होता है? है राम का होता है, राम का गायन होता है कलयुग में आकर के, वो कलयुग में बोल रहे हैं ना। द्वापर युग में जो भी शास्त्र लिखे गए हैं वो ज्यादा शास्त्र किसकी महिमा में लिखे गए हैं, राम की महिमा में या कृष्ण की महिमा में? कृष्ण की महिमा में। तो ज्यादा धारणा किसने की होगी, है? कृष्ण की आत्मा ही ज्यादा धारणावान है, इतनी धारणा करती है
जो धर्म का राजा कही जाती है। शरीर भले छूट जाता है तो भी धारणा को छोड़ने वाली नहीं है, सिर्फ बात बुद्धि में बैठनी चाहिए, लेकिन बच्चा बुद्धि है, बच्चे को बात जल्दी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब बात बुद्धि में बैठ जाए तो उस बात से उसको कोई हिला नहीं सकता। धर्मराज का पार्ट किसका है? राम की आत्मा का है या कृष्ण की आत्मा का है? कृष्ण की आत्मा का पार्ट धर्मराज का है, धारणाओं का राजा। जब रिजल्ट निकलेगा, फाइनल परीक्षा होगी, तो एक सेकंड में ब्रह्मा पतित से पावन कौन बनेगा? है? ब्रह्मा पतित तो एक सेकंड में पावन बनेगा, कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज वाली आत्मा के लिए बोला, ब्रह्मा पतित तो पावन विष्णु बन जाता है। ये नहीं कहा पावन शंकर बन जाता है। इसलिए कोई साधारण बच्चा नहीं है। और समझेंगे नहीं तो धारणा में कैसे आएगा? जो बड़े हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, परंतु जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर ज्यादा है, तो जल्दी समझना भी फायदेमंद है। और जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर कम है तो समझना फायदेमंद होगा या नुकसानदायक हो जाएगा? ज्यादा समझदार अच्छा होता है या बच्चा बुद्धि अच्छा होता है? हैं? बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी कोई बहुत समझदार होते हैं, तो उल्टा उल्टा अर्थ निकालते हैं वाणी का। और जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं। हम बच्चे किसके बच्चे हैं? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। और बाप जो है वो बुद्धिमानों को ज्यादा पसंद करता है या दिल वाले बच्चों को ज्यादा पसंद करता है? दिल वाले। ये अंतर क्यों है? हैं? क्योंकि बुद्धि जो ज्यादा चलाने वाले होते हैं वो 63 जन्म की विकृत बुद्धि है। ये अंतर पड़ जाता है। पढ़ी लिखी माताओं को बाबा ज्यादा पसंद करते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं, या जो अनपढ़ हैं आखिरी जन्म में उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्यों? जो ज्यादा दुनियावी पढ़ाई पढ़े लिखे हैं वो उल्टी बुद्धि चलाते हैं। जो बच्चा बुद्धि है उनकी सीधी सीधी बुद्धि चलती है। इसलिए माताओं को कहते हैं तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो बहुत अच्छी हो। और देखा भी जाता है जो माताएं हैं, जो दुनिया जिनको कम बुद्धि वाला समझती है वो ईश्वरीय ज्ञान को ज्यादा उठाती है या दूसरे ज्यादा उठाते हैं? चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, माताओं की संख्या ज्यादा क्यों रहती है? क्योंकि माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है।
उनकी उल्टी बुद्धि नहीं चलती है। इसलिए भगवान बाप को भी कोरे कागज बहुत पसंद है। अर्जुन को भी क्या बोला, हे अर्जुन तू पढ़ा लिखा सब भूल जा, कोरा कागज बन जा। ये बाबा दो बातें नहीं करते। हाँ जी है, नहीं बाबा ने जो प्रोसीजर बताया है, जो एलजेब्रा का गणित है उसमें हिसाब बताते हैं ना, इस तरीके से ऐसे हिसाब निकलेगा। तो बाबा के गणित के अनुसार हम गणित लगाएं, दुनियावी लोग जो कहते हैं उसके आधार पर न सोचें, पहले बाबा के आधार पर टैली करें। दुनिया कहने लगी 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो उस विचार से सोचना ज्यादा अच्छा है या पहले बाबा की बात में टैली करें तो वो ज्यादा अच्छा है? पहले बाबा ने जो बोला है उस बात से टैली करें। नहीं तो 12 राशियां हैं दुनिया में, दुनिया के जो भी मनुष्य हैं कितनी राशियों के हैं? 12 राशियों। हर धर्म की जो भी मूल आत्माएं हैं वो कितने भागों में बांटी गई है? 12 भागों में बांटी गई, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लामवंशी हो, उनकी 12 की कैटेगरी है। तो नंबर वार होंगे या एक जैसे नंबर लेने वाले होंगे? नंबर वार होंगे। तो जो 100% नंबर लेने वाला है उसको फॉलो करना अच्छा है या 12वें नंबर वाले को फॉलो करना अच्छा है या 12 के 12 की बातों पर विचार करना अच्छा है? 12 की बातों पर विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस मरेंगे। अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, इसलिए एक से सुनना है और एक की बातों पर एक ही तरीके से पूरा विचार करना है। Thank you.